सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज बैंक्स कस्टम और मैं हूँ भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है द ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोस 2020। सो गाइस जो मैं रात में अपना इंट्रो शूट कर रहा हूँ, इंट्रो और एग्जिट जो है मैंने रात को शूट करा है क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उस टाइम पे मेरे कैमरा में जो है बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से इसको मैं आज ही रात को शूट कर रहा हूँ। सो एनीवेज गाइस जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो नई टाटा अल्ट्रोस आई है उसके डिटेल मतलब आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं मिस्टर अंकित जी जो टाटा में एम्प्लॉय हैं। वो हमें पूरा बताएंगे आज गाड़ी के बारे में कि गाड़ी कैसी है। बहुत ही जल्दी उसकी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल हो जाएगी तो मैं आपको टेस्ट ड्राइव वीडियो भी एक लेके आऊँगा। सो होप आपको ये गाड़ी जो है पसंद आएगी। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक करिए। सो गाइस जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है द ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोस 2020 के बारे में। सो आज की वीडियो में हमारी हेल्प करने वाले हैं मिस्टर अंकित। मिस्टर अंकित क्या हाल है? कैसे हो? बहुत बढ़िया। सो मिस्टर अंकित क्या बता सकते हो आप गाड़ी के बारे में? सर टाटा अल्ट्रोस के बारे में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है, जो कि बिफोर लॉन्चिंग गाड़ी को 5-स्टार रेटिंग मिली है एनकैप टेस्टिंग में, जो कि आज तक किसी गाड़ी को नहीं मिली है। ठीक है सर। दूसरी बात अगर मैं गाड़ी की डिज़ाइन की करूँगा तो गाड़ी में जो डिज़ाइन दिया गया है वो 2.0 इम्पैक्ट डिज़ाइन दिया गया है, जो कि इससे पहले हमारी हैरियर कार में भी यूज़ हो चुका है। अगर आर्किटेक्चर की बात करूँगा तो ये जो गाड़ी है ये अल्फ़ा आर्किटेक्चर के थ्रू बनाई गई है। ठीक है सर। और अगर मैं गाड़ी की फ्रंट की बात करूँगा तो जैसे कि फ्रंट में विंडशीट आ जाती है जो कि काफ़ी लार्ज दी गई है, जिसकी हेल्प क्या है कि आपको सामने से विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर रहती है और जो धूप वगैरह का सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है वो भी इसमें थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं इसके फॉग लैंप्स DRL की बात करूँगा तो इसमें LED DRL दिए हुए हैं, 3 chamber प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स दिए हुए हैं। ठीक है सर, जो कि हेलोजिन प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर टायर की बात करूँगा, एलॉयज की बात करूँगा तो टॉप एंड वेरिएंट में 16-inch का लेज़र कट एलॉय व्हील दिया हुआ है। ये सो ये कौन सा वेरिएंट है? ये सर एग्जेड ऑप्शनल इसका टॉप वेरिएंट है। ओके, ये टॉप वेरिएंट जी। बेसिकली इसके अंदर 4 वेरिएंट आते हैं जो कि XE, XM, XT एंड XZ। उसके बाद ये XZ ऑप्शनल आता है, ये सिर्फ एक ड्यूल टोन की वजह से आता है जिसमें आपकी रूफ होगी वो ब्लैक होगी। ठीक है सर। उसके बाद अगर साइड की बात करें तो साइड में भी प्रॉपरली ब्लैक फिनिशिंग दी हुई है, जिसे पियानो ब्लैक फिनिशिंग कहते हैं। जो गाड़ी की साइड बेल्ट है वो भी प्रॉपरली कवर करी गई है ब्लैक फिनिशिंग के साथ। ठीक है सर। अगर गाड़ी की बैक की बात करें तो प्लीज़ गाड़ी के बैक में भी सर अल्ट्रोस का काफ़ी अच्छा बेजिंग लिखा बना हुआ है। ठीक है सर। और वो भी प्रॉपरली ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ दिया गया है। अगर अंदर के बूट स्पेस की बात करेंगे सर हम, तो मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। पीछे से काफ़ी डिफरेंट इसकी लुक दी गई है। जी बिल्कुल सर। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जो गाड़ी का स्टेयरिंग है वो भी बॉटम कट स्टेयरिंग दिया गया है। ठीक है। जो कि थोड़े फैटी पर्सन होते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी कम्फर्ट रहता है। ठीक है सर। उसके बाद अंदर से अगर आप डैशबोर्ड की बात करेंगे तो उसमें भी एक अलग तरह की फिनिशिंग दी हुई है। ठीक है सर। जो अब तक आपको किसी भी गाड़ी में इतना अट्रैक्टिव इंटीरियर नहीं दिखा होगा। उसके बाद सर अगर मैं डोर की बात करूं तो अगर आप डोर पे ध्यान देंगे तो डोर जो है 90° ओपन डोर है। ठीक है सर। जो कि 3 steps में खुलते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपके कंफर्ट के हिसाब से आप इतना खोल सकते हैं, उसके बाद इतना एंड लास्ट इतना 90°। ठीक है सर। 90°। डोर में भी काफ़ी मतलब ये यहाँ पे जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया दिया गया है। जी बिल्कुल सर। इसमें स्पीकर्स कौन से आएंगे? स्पीकर सर इसके अंदर हरमन कॉटन JBL के ही स्पीकर आएंगे सर इसके अंदर। ठीक है सर। टॉप एंड वेरिएंट में 4 स्पीकर आएंगे, 2 ट्विटर आएंगे सर। उसके बाद जो आप इसकी ORVM की बात करेंगे तो ORVM भी काफ़ी स्लीक स्लिम बनाया गया है। अगर हम गाड़ी के ORVM की बात करें तो इसका भी जो साइज़ है काफ़ी स्लिम दिया गया है, जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा लग्जरी या प्रीमियम कार्स में ही मिलता है। उसके बाद ORVM के नीचे एक क्रोम लाइन भी दी हुई है जो कि लुक को इन्हेंस करती है। ठीक है सर। उसके बाद एक चीज़ और इसके अंदर बहुत अलग दी हुई है, जैसे जो गाड़ी का फ्रंट फेंडर है, साइड फेंडर में इंडिकेटर दिया हुआ है, जिससे क्या होता है हम कभी ड्राइव कर रहे होते हैं और अगर बैक साइड की बात होती है तो अगर आप गाड़ी टर्न कर रहे हो तो बैक जो अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसको भी उसकी भी विजिबिलिटी रात के टाइम क्लियर रहती है कोई टर्न ले रहा है, इंडिकेटर जब ब्लिंक करता है। ठीक है सर। तो ये है टाटा अल्ट्रोस। ठीक है।
सो गाइस उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फ्रंट में आप देखिए इसका डैशबोर्ड कितना ज़्यादा यूनिक है, ऐसा लगता है कोई एयरशिप में हम बैठे हुए हों। सो गाइस यहाँ पे आपको होप आपको जो इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन है ये पसंद आया होगा। यहाँ आपको आपको MID है जो वो मैनुअली मिलेगा, साथ में आपको 60-40 का रेशो मिलने वाला है, 60% जो है वो आपको डिजिटल मिलने वाला है, 40% आपको जो स्पीडोमीटर है वो जो है गाइस मैनुअल मिलने वाला है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे सारे गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ इसका गियर है, गियर के साथ आपको यहाँ पे दूसरी साइड में फिनिशिंग मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यहाँ आपको 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको USB लगाने को देखने को मिलेगा। उसका जो AC का ऑप्शन है वो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल का जो हमें पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सो साथ में आपको 7.5 का टच स्क्रीन इस डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि इन्फॉर्मेटिव सिस्टम के साथ है सारा का सारा। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल में गाइज यहाँ पे आपको इस तरीके का हैंड रेस्ट देखने को मिलेगा जो कि आप इसको आगे फ्रंट में आप मूव भी कर सकते हैं और इसको आप उठा भी सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जो स्पेस है वो थोड़ा छोटा मिलने वाला है हैंड रेस्ट के हिसाब से, बट फिर भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आप चेक करें ये स्पेस है इसका, और यहाँ पे आपको दो जो है कप होल्डर मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक का जो है ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको इसकी की होल्डर मिलेगी, सो यहाँ पे आप कीज़ इसकी चेक करें टाटा एल्ट्रोस की। सो ये हैं गाइज इसकी की टाटा एल्ट्रोस की, होप आपको जो इसकी कीज़ है ये पसंद आई होंगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइज यहाँ की सीट्स की, तो बकेट फिट में आपको सीट्स मिलेंगी। अभी जैसे सीट रैप्ड है तो, बट फिर भी प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे सीट्स मिलने वाली हैं। सो ये चीज़ चेक करें आप। सो गाइज उसके बाद यहाँ पे इस टाइप की आपको सीट्स मिलेंगी जो आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट जो है वो जो उसका कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो ये चीज़ चेक करें, बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल जो है इसका क्लॉथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज यहाँ पे आपको टिल्टिंग वाला जो है ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया गया है, पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा होल्डिंग पार्ट मिल जाएगा जिसमें आप अपना सामान कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो डोर हैंडल्स हैं बहुत ही सैटिन में हैं और बहुत ज़्यादा स्लीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ चार पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाएंगे। डोर इसका 90 डिग्री जैसे खुलता है जैसे उन्होंने बताया अंकित सर ने आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें बॉटल ऑप्शन है, बॉटल ओपनर जो है इसमें बॉटल ऑप्शन, आप बॉटल को रख सकते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे आप ये चीज़ चेक करें, ये टेक्सचर जो भी है ये भी टेक्सचर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सॉफ्ट एंड स्मूथ है, देखने में बड़ा क्लासी लगता है। सो होप आपको जो है इसके इंटीरियर्स एंड ऑल जो है गाइस पसंद आए होंगे। अब मैं इसके रियर की साइड बैठता हूँ। सो गाइस अगर मैं रियर की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो इसका डोर हैंडल है वो ऊपर देखने को मिलेगा, इसको सी टाइप डोर हैंडल बोलते हैं जो कि रियर में भी 90 डिग्री में खुलता है। सो ये चीज़ चेक करें, काफ़ी बड़ा स्पेस है खुलने के लिए। मैं भी इस सेगमेंट में ऐसे पहली बार देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा जो है यूज से स्पेस जो है इसमें दे रखा है। यहाँ रियर में आपको डुअल टोन में मिलेगा देखने के लिए डोर, सो ये ब्लैक कलर का है और यहाँ पे थोड़ा बेज है। सो ये टेक्सचर आप यहाँ पे चेक करें, ये भी सॉफ्ट लेदर टच जो है टेक्सचर जो इसमें मिलने वाला है। अगर मैं एयरबैग्स की बात करूँ तो गाइस इसके अंदर ड्यूल एयरबैग्स आपको मिलेंगे ABS प्लस EBD के साथ, और जो ये नीचे सेंटर फ्लोर है गाइस ये आपको देखने को मिलेगा सिमेट्रिकल मिलेगा, मतलब एक जैसा प्लेन मिलने वाला है, ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, नॉर्मल ही है, लगभग फ्लैट ही इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे गाइस रियर में 12 वोल्ट का जो है चार्जर पॉइंट देखने को मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा गाइस देखने को रियर AC वेंट। सो ये है यहाँ से कुछ लुक, काफ़ी स्पेशियस है जो हेडरूम है और जो लेग रूम है जैसे यहाँ पे, सो वो काफ़ी स्पेशियस है हेडरूम और लेग रूम के हिसाब से, गाड़ी एक हैचबैक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। सो होप आपको जो है पसंद आई होगी। सो गाइस उसके बाद मैं इसमें बात करता हूँ इसके रियर लुक की, सो रियर लुक आप चेक करें, यहाँ पे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जो है इसको दिया गया है। यहाँ इसके टेल लैंप्स चेक करें और यहाँ आपको टाटा की बैचिंग मिल जाएगी, साथ में एल्ट्रोस की बैचिंग मिल जाएगी, और रियर पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है एल्ट्रोस की बैचिंग के जस्ट नीचे। सो आपको ड्यूल टोन में जो है मिलेगा, पीछे जो है यहाँ पे पियानो फिनिश दे रखी है, खैर थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है, बाहर थोड़ा बारिश हो रही थी इस वजह से। सो ये इसका जो मेन कलर है वाला कलर है, सो होप आपको इसका डिज़ाइन जो है ऑल ओवर पसंद आया होगा। इसका बूट मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। सो ये है इसका बूट,
सो यहाँ पे बूट स्पेस को चेक करें आप, काफ़ी एक्सट्रीम लग्जरी एक्सट्रीम बूट स्पेस है इसका, काफ़ी स्पेशियस जो है बूट स्पेस दे रखा है इसमें। यहाँ पे आपको गाइस यहाँ देखने को मिलेगा इसमें एक ट्रे, सो ये चीज़ चेक करें। और आपको यहाँ पे नीचे करने के लिए एक बूट में हैंडल जो है दे रखा है, जाके आपको जो है बर्थ कम्फर्टेबल बनाते हैं इसको, जैसे आपने नीचे कर दिया सो बूट जो है आपका बंद हो जाएगा। जो लाइट्स हैं गाइस वो भी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, बहुत शार्प डिज़ाइन के साथ जो है इसमें लाइट्स दे रखी हैं रियर में, सो ये चीज़ चेक करें। यहाँ पे पियानो फिनिश भी दे रखी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्पॉइलर की, सो ये कुछ नए टाइप का जो है फ्यूचरिस्टिक स्पॉइलर जो है इस गाड़ी में दे रखा है। जो छत है वो भी जो है बिल्कुल ब्लैक कलर की है, सो ये गाड़ी जो प्रॉपरली जो है डूल टोन में आती है। फ्रंट से अगर मैं बात करता हूँ सो जैसे फॉग लैम्प्स हैं और जो इसकी फ्रंट की लाइट्स हैं, आप देखिए कितनी लार्ज है और जो शार्प डिज़ाइन जो है इसको दे रखा है प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स के साथ। यहाँ पे गाइस आपको क्रोम में मिलने वाला है, सो ये चीज़ चेक करें, एक क्रोम फिनिश आपको यहाँ पे मिलेगी। सो होप आपको जो इसका ऑल ओवर डिज़ाइन जो है पसंद आया होगा। मशीन कट में अलॉयज लगे हुए हैं बहुत ही नए डिज़ाइन के साथ, और जो प्रोफाइल है वो है 195/55 R16, मतलब 16। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको तो ऑल न्यू टाटा एल्ट्रोस जो है वो पसंद आई होगी। एक प्रीमियम हैचबैक है बहुत ही अल्टीमेट डिजाइन के साथ, बहुत ही अच्छी उसकी बैक है, बहुत अच्छा फ्रंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है उसका इंटीरियर है। सो गाइस अपने नियरेस्ट टाटा के शोरूम में जाइए और जल्दी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके अपने घर लेके जाइए। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम। मैं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स लेके आता रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोज़ को गाइस देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, टेक केयर।